बिग बॉस के घर में दोस्तों आज अभिषेक मलान ने दिखाया अपना फायर वाला अंदाज। घर वाले भी देखकर हैरान हो गए अभिषेक का गुस्सा। आप सभी को मालूम होगा कि बेबिका ने यार लाइव फीड के अंदर अभिषेक को चोर कह दिया। कंटेंट चोर होने के साथ साथ कह दिया कि तेरी हैसियत क्या है, मैं तेरे जैसों को थप्पड़ मार देती हूँ। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें अभिषेक मलहान ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फाइट बैक दिया बेबिका को और उनको उनकी पूरी औकात दिखा दी और बता दिया कि वो अपने पिता के दम पे यहाँ पे आई हैं और उनकी कोई औकात नहीं है कि वो अभिषेक को थप्पड़ मारे। और दोस्तों इस फाइट के बाद में सोशल मीडिया पे हमारी पांडा गैंग यानी कि फुकरा के सपोर्टर्स का बूम आ गया और दोस्तों उन्होंने हैशटैग चला दिया। और फिर देखिए आप जबरदस्त ट्वीट, यहाँ पर फुकरा के एक फैन ने लिखा, फुकरा इंसान ने काफ़ी शानदार जवाब दिए बेबिका को और वो जैसे बिहेव कर रही थी उसको इसी प्रकार से वो डिजर्व करती थी। ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग कंटेस्टेंट है, फुकरा वाज ऑन फायर मोड टुडे। इसके बाद दोस्तों एक यूज़र ने लिखा कि वो लड़की इसके प्रोफेशन पे गई, इसकी कमाई पे गई और कहा थप्पड़ मारूंगी, तेरी हैसियत नहीं है। लिटरली उसने डिसरिस्पेक्ट की है उस बंदे की और उस बंदे को डिसरिस्पेक्ट करके उसने खुद की ही इमेज ख़राब कर ली। वहीं दोस्तों आपको बता दें एक बंदा कमेंट यहाँ पे करता है कि ये है असली फुकरा इंसान, नकली हवा बोलने वाले अब देख लो। और फुकरा इंसान ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बेबी का ध्रुव ढसेगी और वो आज ढस भी गई है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें यूज़र्स ने काफ़ी और ट्वीट किए। आप देखिए ये ट्वीट जहाँ पे ये लिखा है, हाथ तो लगा के दिखा और वो भी फुकरा भाई को, लगता है इसको खबर नहीं है जिसका क्या हाल होगा। बिग बॉस के बाद जैसे टिकटॉक चला गया वैसे बेबी का भी कहीं चली ना जाए। वैसे दोस्तों आपको बता दें श्रेया लिखती है, मुझे लगता है कि अब मैं बिग बॉस देखना शुरू कर सकती हूँ क्योंकि अभिषेक अब फायर मोड में आ चुका है, इस बंदे के लिए तो बिग बॉस देखना शुरू करना ही पड़ेगा। और दोस्तों दिशा ने भी यही लिखा कि अभिषेक का यही तो टैलेंट है। वहीं दोस्तों आपको बता दें उन्होंने लिखा, अभिषेक मलान का टैलेंट और सक्सेस के बारे में तुम जानते ही क्या हो, इतनी बकवास करने लगे हो, बंदा सेल्फ मेड है। इस प्रकार से दोस्तों सोशल मीडिया पे अभिषेक मलान और फुकरा इंसान का बूम आ गया और सभी उन्हें इस लड़ाई के बाद में सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर बेबिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि फुकरा के कंटेंट पर गई, उनके करियर पे गई? फुकरा की मेहनत वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका कंटेंट कितना प्यारा है और वो किस प्रकार से गरीबों की मदद भी करते हैं, कितने पैसे तो वो अपने चैनल पर ही डोनेट कर देते हैं। आपको दोस्तों इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।